आप जानते हैं कि नीम करौली आश्रम की बुनियाद किसने खोदी थी? क्या आप जानते हैं कि जूलिया रॉबर्ट, मार्क जुगरबर्ग और स्टीव जॉब्स से पहले भी वहां एक देश का प्रधानमंत्री गया था? हिंदुइज्म इज समथिंग दैट आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय एंड वेरी इंटरेस्टेड इन. One of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. I actually started on the tablet first. नमस्कार, हिमालयन डिस्कवर के MI टॉक शो में आपका स्वागत है. आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उत्तराखंड के नैनीताल जिले के नीम करौली आश्रम. क्या आप जानते हैं कि नीम करौली आश्रम की बुनियाद किसने खोदी थी? क्या आप जानते हैं कि जूलिया रॉबर्ट, मार्क जुगरबर्ग और स्टीव जॉब्स से पहले भी वहां एक देश का प्रधानमंत्री गया था जिसको बाबा ने दो थपकी पीठ पर मार के बोला था, जा तू सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा. और वो व्यक्ति बाद में देश का प्रधानमंत्री बना. हम एप्पल के संस्थापक को जानते हैं, फेसबुक के संस्थापक को जानते हैं और हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री को जानते हैं, लेकिन आप अपने देश के एक प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते कि नीम करौली बाबा का आश्रम और नीम करौली बाबा का आशीर्वाद उनके साथ बना रहा. अभी हाल में आपको पता है कि विराट कोहली जब सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे, वो भी नीम करौली बाबा के आश्रम में गए और उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी 75वीं सेंचुरी पूरी. क्या है बाबा के इस आश्रम का रहस्य, आइए जानते हैं. और जानते हैं कि इन व्यक्तित्व ने, चाहे वो मार्क जुगरबर्ग हो या अपनी स्टीव जॉब्स हो या फिर वहाँ के अभिनेत्री हो, उनके क्या धारणा थी और किस तरीके से उन्होंने बाबा का गुणगान किया. पूर्णानंद तिवारी, जिन्होंने आश्रम की बुनियाद खोदी थी और जिन्होंने वो राख ढूंढी थी जिसमें सोमवारी बाबा का धुना हुआ करता था, उनके बेटे उमेश तिवारी क्या कहते हैं इस आश्रम के बारे में, वो भी आपको दिखाएंगे. तो आइए हिमालयन डिस्कवर की इस स्पेशल पेशकश में जुड़िए और सुनिए क्या क्या राय है नीम करौली आश्रम से और क्या क्या अवधारणाएं जुड़ी हैं नीम करौली बाबा से. अब देखिए भगवान, हम उस काल में तो जीवंत नहीं थे और रहे भी होंगे तो खबर नहीं हमें, पर इतना जानते हैं जो हमने अनुभव किया उनकी साधना के बारे में अपने जीवन में गुरु बल से, श्री हनुमान जी महाराज की उन पर खूब कृपा थी और हनुमान जी की कृपा में, उन हनुमान जी की भक्ति में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है कई बार अंश झलकने लगा था. बल्कि वो गृहस्थ थे, गृहस्थ के बाद उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ था. वो महापुरुष हैं, हम नालायक आदमी हैं, उनमें हम में जमीन आसमान का अंतर है. वो गगन हैं और हम मगन हैं. वो आकाश हैं, हम पृथ्वी के नीचे गड़े हुए हैं. वो महापुरुष हैं. फेसबुक तो यूज़ करते हैं और जब इसके ओनर मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि एप्पल फोन, एप्पल के ओनर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कोई राह नहीं दिख रही है, तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना. नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करौली बाबा का, वहां पे जाना, वहां से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी. और मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही और जब वो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत में भी यह बात कही. One of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled, having the opportunity to feel how much better the world could be if
if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. तो आप समझिए कि जहां से इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक नहीं, सबसे ज्यादा ऑल परवेसिव कंपनियों में से एक, जो हर आदमी के हाथ तक है, वहां तक यहां से इंस्पिरेशन जाता है, तो यह भारत की भूमिका को भी दर्शाता है और उसमें उत्तराखंड की भूमिका को भी दर्शाता है. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to this picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever? I actually started on the tablet first, and a few other things. Now, we were thinking about building a phone at that time, and when I saw the rubber band inertial scrolling and a few of the other things, I thought, my God, we can build a phone out of this. बता, मैं तेरे कैंची में मंदिर बनाना चाह रहा हूँ. कहाँ बनाऊँ? जहाँ तू कहेगा वहाँ मंदिर बनाऊंगा. अच्छा. अब पिताजी से जब ऐसा कहा, पिताजी हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा आप तो जो है इतने अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों की आप जानते हैं और सारा भूत वर्तमान भूत से आप बताते हैं, भला मैं आपको क्या बताऊँ मंदिर कहाँ बनाना है. जब बहुत जीत कर दी तो पिताजी ने तब उस जगह के बारे में बताया जहाँ अभी वर्तमान में कैंची धाम मंदिर है. पिताजी ने कहा कि बाबा अगर आप इतनी जीत कर रहे हैं तो एक जगह यहीं पर पास में है, बड़ी रमणीक जगह है, और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि वहाँ पर इससे पहले कभी कमलागिरी बाबा ने, कभी सोमवारी बाबा ने तप किया है, बड़ी रमणीक भूमि है. अच्छा, किसी संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, चल दिखाकर. उसके करीब करीब नदी के किनारे एक पत्थर में खड़े हुए और चारों ओर नजर घुमा के बाबा कहने लगे कि पूर्णानंद ठीक है, कल आऊंगा 10 बजे, कल देखूंगा इस जगह, अभी मैं जा रहा हूँ, और वापस आ गए. तो मैं जरा, आप कल आएंगे, कल आके कहीं फिर आप ऐसा ही न कहें कि पूर्णानंद झूठ बोलता है. ये जगह के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, ये जगह मेरी तो है नहीं, ये तो जंगलात की जगह है, और जंगलात जो आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, जंगलात अपनी 1 इंच भूमि आपको नहीं देगी निर्माण कार्य करने के लिए, ये तो वन भूमि है, सरकारी भूमि है. फिर कल आपको दिक्कत होगी. तो महाराज बोले, तूने कहा ना किसी संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, अब तो मंदिर ही बनेगा, तू जंगलात की फिक्र मत कर, जंगलात से मैं बात करूंगा, कल 10 बजे आऊंगा, कल देखूंगा. दूसरे दिन बाबा जब आए तो उनके साथ फॉरेस्ट की पूरे टीम, फॉरेस्ट अफसर, कंसर्वेटर बाबा जी के साथ, एक गाड़ी कंसर्वेटर फॉरेस्ट वालों की और एक गाड़ी में बाबा. कि पूर्णानंद ये झाड़ी कैसे साफ होगी, अंदर कैसे घुसे, कैसे देखे उस जगह को. पिताजी ने कहा कि बाबा अगर आप आदेश करें, झाड़ी काटना 15-20 मिनट का हमारा काम है, हम तो रात दिन यही काम करते हैं. उस समय होता भी वही था, खेती बाड़ी का काम था. तो बड़े भैया को घर दौड़ाया, फिर धराती और राती गई, पिताजी लोग लगे झाड़ी झूड़ी काटेगी. अब टीम घुसी अंदर, अंदर घुस के बाबा फिर थोड़ी ऐसे घूमे घामे सब लोग, तो बाबा फिर एक नदी का एरिया है, पूरा पत्थर ही पत्थर थे वहाँ, एक बड़े शिला पर फिर खड़े हो गए, और महाराज के हाथ में एक फूल था, वो फूल ऐसे करके फेंक दिया, और फूल गिरते ही पिताजी को बोले, पूर्णानंद जिस जगह फूल गिरा वहां गड्ढा खोदा, तुरंत गड्ढा खोदने के आदेश करो. फिर बड़े भैया को घर दौड़ा गया, फिर गड्ढे खोदने के औजार गए, घंटी बिलचा, पिताजी लोग भैया लोग गड्ढा खोदने में लगे. अब गड्ढा खोदते खोदते गर्मी के दिन थे, पसीने से तर, पिताजी बाबा से ऐसी पूछ बैठे कि बाबा गड्ढा तो हम खोद देंगे, जरा हमें बताइए इस गड्ढे में आपको क्या करना है, इसका मकसद बताइए, क्या पर्पज है गड्ढे का, हम उस हिसाब से गड्ढे को बना देंगे. तो बाबा बोले कि तूने कहा ना किसी संत ने तपस्या करी है, तो इस जगह पर उसकी धुनी है, राख निकलेगी, जहां तक राख निकले वहां तक खोदो. अब पिताजी लोग खोदने में लगे रहे, और वो सच्ची सच्ची में जैसे ही गड्ढा 1.5 फीट का गहरा हुआ, उसमें से नीचे सारी राख निकलनी शुरू हो गई, और राख निकलते निकलते, और जब उस गड्ढे की पूरी सफाई की गई, तो इनसे पहले जो संत सोमवारी बाबा ने वहां पर तप किया था, उनकी पूरी धूनी निकल गई. निकलते ही बाबा बोले कि पूर्णानंद बस हो गया, और उसके आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूंगा, और तू मेरा साथ देगा. तो बाबा ने सीधे फॉरेस्ट अधिकारी, कोई सोनी साफ करके थे जो उस समय कंसर्वेटर थे, तो उनको बोला कि इशारा किया, इतनी लगभग भूमि चाहिए मेरे को यहाँ पर मंदिर बनाना है. और उस कंसर्वेटर ने बाबा को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा ये तो हमारे बस में नहीं है, हम तो खाली सरकारी नौकर हैं, और आप ये धुनी तो है ही, एक झोपड़ी बना लो, अपनी धुनी जमा लो. अच्छा। इतना तो चलेगा,
लेकिन जो आप निर्माण कार्य करने की सोच रहे हैं मंदिर बनाने की, ये हमारे बस में नहीं है, ये तो हाई लेवल का मामला है। अच्छा, मंत्री करेगा? कौन है मंत्री? पूछ दिया कि कौन मंत्री करेगा। तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी यूपी के वन मंत्री, उनने बताया कि चौधरी चरण सिंह है वन मंत्री, वही इस काम को कर पाएंगे। ठीक तीसरे दिन बाबा की फिर वही चमत्कारिक क्रिया, जो मैं आपको अभी बताया ना कि बाबा एक साथ कई जगह दर्शन दे देते थे, चरण सिंह को भी बाबा ने जरूर कोई ना कोई चमत्कार दिखाए होंगे। तो चरण सिंह मई काफिले के तीसरे दिन कैंची धाम बाबा के साथ पहुंच गए। बाबा सब रोड पे इकट्ठे हुए और नदी पार उतरे, चरण सिंह को सीधे उस धोनी के पास गई पूरी टीम। धोनी के पास पहुंचते ही बाबा ने चरण सिंह से कहा कि चरण सिंह, मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? अब उसको कुछ ना कुछ लीलाएं तो बाबा ने दिखाई होंगी, तो एकदम उसने हाँ भर दी। उसने कहा, बाबा ये तो बहुत रमणीय स्थल है, ऊपर से आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, बनाइए आप मंदिर। कितना बड़ा मंदिर बनाना है, कितनी भूमि आपको चाहिए? तब बाबा ने उसको भी इशारा करके ऐसे बोला कि लगभग इतनी भूमि चाहिए, इतनी भूमि के लिए कह रहे हैं, उससे दुगुनी चौगुनी भूमि नाप दो। अच्छा, जितना भी पहाड़ी के नीचे नदी का किनारा समतल एरिया है, लास्ट कोने तक देखना, बहुत बड़ी भूमि है वो। अच्छा, तो सारी भूमि नापो और इसका सरकार बनाम बाबा दान नामे का पट्टा तैयार करो। अच्छा, एक रुपया सालाना लीज रख दो कि बाबा राजकोष में देंगे। अच्छा, सालाना लीज पर सारी भूमि नापने के लिए और पट्टा बनाने के लिए आदेश कर दिए। चरण सिंह से बोले कि चरण सिंह, तू तो भाई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है। अच्छा, कड़क बहुत बोलता है, कड़क मत बोला कर। अच्छा, तू तो भक्त आदमी है, तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी, और उसके भी दो थपकी मारी पीठ में कि जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने। तो बाबा के मुंह की वाणी आज तक के इतिहास में कोई झूठ नहीं, और मंदिर की नींव का पत्थर पिताजी से बाबा ने रखवाया।